क्या बजरा भाभी को नहीं जानते? दूसरों के दरवाजे पे वो अपने कान लगा के बातें सुनती है, और अगर आपकी बीवी खफा है तो आप अपनी बीवी को कहें ना कि अस्मा भाभी ऐसी हरकत नहीं कर सकती। कभी कभी ना मुझे अपनी अम्मी पे बहुत गुस्सा आता है। हमें पलट कर जवाब देना सिखाएंगी? मेरा भाई भी ना ऐसे ही चुप रहता है, कुछ बोलता ही नहीं। अम्मी हमेशा कहती थी एक चुप सौ मसलों का हल। अब अजरा भाभी को देखो ना, सबको बार बार कह रही है कि अस्मा से जाके पूछो फरहत ने क्या, जैसे कि सारी बात मैंने ही बताई। तो अस्मा भाभी, आपको सबके सामने कह देना चाहिए था ना कि उन्होंने दरवाजे पे कान लगा के बातें सुनी है। बोल ही तो नहीं पाती मैं। अस्मा भाभी, आप भी अपने लिए बोलना सीखें, वरना फरहत भाभी भी आपके सर पे ऐसे हावी हो जाएंगी जैसे अजरा भाभी है। वासिफ, तुम्हारे लिए नाश्ता बना दूं? मुझे नहीं करना। चाय बनी हुई है, अभी ला देती हूँ। मुझे देर हो रही है। वासिफ, क्या हुआ है? अम्मी ने कुछ कहा है? किसी ने कुछ नहीं बोला। अगर फरहत ने गुस्से में कुछ कह भी दिया था तो आपको क्या जरूरत थी असल में भाभी को सब बातें बताने की? फरहत को ये बात कितनी बुरी लगी है। वासुभाई, एक मिनट। वासुभाई, अब ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं कि अस्मा भाभी ने यह हरकत की होगी? क्या बजरा भाभी को नहीं जानते? दूसरों के दरवाजे पे वो अपने कान लगा के बातें सुनती हैं, और अगर आपकी बीवी खफा है तो आप अपनी बीवी को कहें ना कि अस्मा भाभी ऐसी हरकत नहीं कर सकती, ना कि अस्मा भाभी के पास आके ये बताए कि आपकी बीवी को क्या पसंद है और क्या नहीं। समझ क्या कर रही? भाभी, आप अपने लिए बोलना सीखे, वरना ये सब मिलके आपको फुटबॉल बना देंगे।